आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के नाम पर बीजेपी में मंथन शुरू, नागालैंड मेघालय में मंत्रियों के नामों को लेकर भी चर्चा। पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले किसानों का जीवन आसान बनाएगी नैनो, डीएपी सरकार की मंजूरी, इस दिशा में अहम कदम। 12 मार्च को कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, राज्य में इस साल होंगे विधानसभा चुनाव। नॉर्थ ईस्ट के बाद भाजपा का टारगेट साउथ की सीटें, दक्षिण में लोकसभा की 129 सीटें जीतने की कोशिश में लगी पार्टी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लॉन्च, सीएम बोले लाडली बहना सेना भी बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। होली के पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 4 दिनों के दौरे पर गोरखपुर जाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में 77 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री गोरखनाथ दौरे पर जाएंगे और होली मनाएंगे। वहीं आज सोमवार को होली के पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टूडेंट्स को शिक्षा के रंग में रंगा भविष्य सवारने का उपहार देंगे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के 82 लाभार्थी बच्चों को लैपटॉप मिलेगा। वहीं सीएम जिले के होनहार स्टूडेंट्स को पुरस्कार राशि का चेक भी सौंपेंगे। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को सीबीआई आज दिल्ली के साउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। यहां से उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है। 4 मार्च को कोर्ट ने सिसोदिया की सीबीआई रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ा दी थी, जो आज पूरी हो रही है। हालांकि सीबीआई ने कोर्ट से 3 दिन के लिए उनकी कस्टडी मांगी थी। वहीं सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगा। लोक संस्कृति शोध संस्थान द्वारा मनाए जा रहे फागोत्सव श्रृंखला में होली बैठकी कुड़िया घाट में हुई। नाव में बैठकर ढोल मजीरा के साथ होरियारों ने फाग की धूम मचाई, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया तथा होली की बधाइयां दी। संस्थान की सचिव श्रीमती सुधा द्विवेदी ने बताया कि गोमती तट पर पहले पारंपरिक फगुआ गीतों की संगीतमय प्रस्तुति हुई, फिर सब ने नौका विहार करते हुए मचियो फाग घनघोर आज होरी झूमरी जैसी सामूहिक फाग गाए। कार्यक्रम में सोशल लाइफ लाइन फाउंडेशन का विशेष सहयोग रहा। औरैया जिला के फफूंद थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव पहुंचे सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए संजय निषाद के आरोपों को लेकर किए गए सवालों पर भी ओम प्रकाश राजभर ने तीखे सवाल किए। इसी के साथ सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने संजय निषाद पर निशाना साधते हुए कहा कि समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के लिए आरक्षण का क्या हुआ, क्या आरक्षण गया। वहीं इस बार कांग्रेस पार्टी की तारीफ करते हुए नजर आए, जहां कांग्रेस पार्टी की तारीफ करते हुए बड़ा बयान देते हुए कहा कांग्रेस पार्टी ने गुंडे जरूर पाले थे, लेकिन कभी उनको टिकट नहीं दिया। क्या दोनों लोग साथ लगे? 20 तारीख को बैठक है कॉमन हॉल में, आइए। एक सवाल और, अरुण राजभर जो बोले हैं दीपंका को लेके, इस पे जो है कश्यप समाज हो, चाहे कोई नाराजगी किसी को नहीं। देखिए बात क्या है, कल आपकी पार्टी के ही तमाम जो है पदाधिकारियों ने जो है संजय निषाद की पार्टी में जो है, आप उधर ले जाएं। देखिए यहाँ कम से कम 10 लोग हैं जिनका नाम फर्जी दे दिया गया कि पार्टी छोड़ दी। 10 लोगों का फर्जी अभी यही लोग, यही लोगों से पूछ लीजिए। देखिए जो लोग ज्वाइन किए हैं
अभी विवेक शर्मा को आपके सामने पेश कर दूं, 5 लाख रुपया उसे रमाकांत यादव ने रिश्वत। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस हत्याकांड में एक और आरोपी का एनकाउंटर हुआ है और उसकी मृत्यु हो गई है। जिस व्यक्ति ने उमेश पाल को पहली गोली मारी थी उसका एनकाउंटर हुआ है। पुलिस इस हत्याकांड में एक और एनकाउंटर कर चुकी है, ये इस मामले में दूसरा एनकाउंटर है। कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र में दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर पथराव भी हुआ। दरअसल ये विवाद पाइपलाइन डालने को लेकर हुआ है। वहीं पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। पाइपलाइन का कनेक्शन जोड़ रहा था तो उसमें एक पक्ष की बात हुआ, नीचे का विवाद हुआ और आपस में काफी कहा थोड़ी बहुत माथापाई हुई और जैसे सूचना तत्काल नजीराबाद पहुंची, मौके पे सारे अधिकार स्थिति नियंत्रण में और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो गिरफ्तार किया गया जिन्होंने पत्थरबाजी करी है यहाँ पर, हिरासत में 2-3 लोगों को लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और बाकी सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और IR दर्ज करा के आपसे संतलाल का हाता है। यहाँ पे लमसम 1000 की आबादी के लोग रहते हैं और यहाँ पे विगत 40 वर्षों से पानी की कोई समस्या नहीं थी। कोई इनका अपना मुकदमा चल रहा था कोर्ट में, जो कोर्ट ने खारिज कर दिया, वो मुकदमा निराधार था। उसको देखते हुए माननीय नीलमा कटियार जिनकी ये विधानसभा है कल्याणपुर विधानसभा, वो और मैं जिले का महामंत्री हूँ पवन गुप्ता, तो हम लोगों ने यहाँ पे आके लोग समस्या लेके आया तो उन्होंने बात करी तो नीलमा जी ने इसकी याचिका सम्मानित विधानसभा में लगाई थी तो उसके मद्देनजर देखा गया, समझा गया, जांच हुई तो ये लोग सही थे तो संचालन उनको आदेशित किया गया नगर निगम को, जल संस्थान को, तो उनके पास सारे कागज थे। प्रदेश में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन सड़क हादसे की खबर सामने आती रहती है। ताजा मामला बदायूं का है, जहां तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर ने बच्चे को खेलते समय टक्कर मार दी और बच्चे की मौत हो गई। आपको बता दें कि सौरभ पुत्र आसाराम अपनी नानी के घर आया था, परिजन बच्चे को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे जहाँ डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। मौके पर खड़ी भीड़ ने ट्रैक्टर ड्राइवर को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बदायूं के थाना कादर चौक क्षेत्र के ग्राम कुरखेड़ा का मामला है। ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ था, ड्राइवर शराब पिए ले जा रहा था सूते में, ट्रैक्टर से एक्सीडेंट होने के कारण किसकी चोट आई है? 3 साल के लड़के के खत्म हो गया, नीचे दबा ट्रैक्टर के पैर के, ट्रैक्टर से दबा नीचे लड़का, ड्राइवर ने देखा कि लड़का खत्म हो गया, गांव वालों ने गई तो ड्राइवर बोल रहा मर गया तो साला मर जाने दो, गांव वासियों ने हमारों ने रुकवाया तो उसे से चाबी छीनी और साइड में लगवाया। लड़के का क्या नाम है? लड़के का नाम सौरभ। उम्र कितनी है? 3 साल। शाहजहांपुर में अनोखी होली मनाई जाती है। इस दिन शहर में लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है, जिसको साकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन काफी दिन पहले से तैयारियों में जुट जाता है। जुलूस को साकुशल संपन्न कराने के लिए कई अन्य जनपदों से भी फोर्स लगाया जाता है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक आनंद ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी होली पर निकलने वाले लाट साहब के जुलूस को साकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया गया। इस दौरान सदर कोतवाली अमित पांडे समेत भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहे। राजधानी लखनऊ के विभूति खंड थाना क्षेत्र अंतर्गत रविवार की देर शाम द ग्रैंड JCBR होटल में होली पार्टी के दौरान जमकर बवाल हुआ। नशे में धुत लोगों ने महिलाओं से भी अभद्रता की। जब मामला तूल पकड़ने लगा तो होटल में मौजूद लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दी। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि कुछ लोग पुलिस के पहुंचने से पहले वहां से भाग निकले। इस खबर पर हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ेंगे। सागर, द ग्रैंड
जेबीआर होटल में जमकर बवाल हुआ है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, राजधानी लखनऊ के विभूतिगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत जेबीआर होटल में होली की पार्टी को लेकर हंगामा हो गया। एक तरफ 21 साल की उम्र कम उम्र के युवाओं के पहुंचने और होटल में डांस कर युवती से छेड़छाड़ के मामलों को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई और नशे में धुत कुछ युवकों के द्वारा होटल में बवाल भी हुआ। सामने आया वीडियो में झगड़ा और हंगामा करते हुए देखा गया। बताया यही जा रहा है कि बिना लाइसेंस के जेबीआर होटल के अंदर दारू पार्टी का आयोजन किया जा रहा था। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू कर ली। वीडियो में दिख रही महिला स्थानीय लोगों के अनुसार शराब के नशे में थी। वह कभी खुद को पत्रकार तो कभी खुद को वकील बता रही थी। वह पुलिस वालों से भी भड़के नशे में धुत महिला ने कई लोगों से बदसलूकी की और मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने किसी तरह महिला को शांत कराया। होटल में काफी देर तक हंगामा चलता रहा। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार द ग्रीन जेबीआर होटल में शराब पार्टी का आयोजन कराने का लाइसेंस नहीं था। इस मामले में आबकारी विभाग से जांच कराई जा रही है और द ग्रैंड जेबीआर होटल में आयोजित पार्टी में 250 लोगों को होली के आयोजन को लेकर इनवाइट किया गया था, लेकिन पार्टी में करीब 1000 से ज्यादा लोगों की संख्या हो गई थी। वो महिलाओं से बदसलूकी की वार्ता करने लगा, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। मामला दोनों तरफ से तूल पकड़ता देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी। एसीपी विभूतिखंड का कहना है कि इस मामले में अभी किसी की तरफ से तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पार्टी में शामिल लोगों से मिली जानकारी के अनुसार जेबीआर होटल में करीब 250 लोगों का आयोजन किया गया था, लेकिन आयोजन में कुछ अतिरिक्त लोग पहुंच गए, इसकी वजह से लोगों ने विरोध किया और दोपहर से ही जेबीआर होटल में बवाल और हंगामा शुरू हो गया था। जी धन्यवाद सागर तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।